स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। पर ये सब हुआ कैसे? यही तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। आखिर वो नक्शा महल में बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ था, उसके बारे में सिर्फ हमारे कुछ खास आदमियों को ही पता था। कौन कर सकता है ये काम? वो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। मेरी बात का यकीन करो पृथ्वी, वो इंसान सिर्फ मीर हुसैन ही है, जो भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया जिसने इस थाली में खाया उसी में छेद किया। जाओ संयुक्ता और जाकर कपड़े बदलिए और यहां से चलने की तैयारी कीजिए। हम यहां से अभी निकल रहे हैं इसी वक्त। आपको जहां चलना है चलिए पिताजी, पर हम ये कपड़े नहीं बदलेंगे। अब हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, आप राजकुमारी हैं और इन कपड़ों में आप हमारे साथ महल में वापस नहीं आएगी। हम कह चुके हैं पिताजी, हम जिस हाल में हैं अब सारी जिंदगी उसी हाल में रहेंगे। आगे आपकी मर्जी। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अभी तैयार करवा के लाती हूँ। सचमुच? आपको पूरा विश्वास है? अभी तक आप पृथ्वी का नाम तक नहीं निकाल सके इनके दिल से। अंबिका आज तक नाकाम नहीं हुई महाराज, हम इनके दिल से भी पृथ्वी का नाम हमेशा के लिए मिटा डालते। अगर आपने हमें थोड़ा सा वक्त और दिया होता तो। नहीं अंबिका, नहीं अंबिका, नहीं अंबिका। तुम्हें जितना वक्त मिलना था मिल चुका, अब स्वयंवर में बहुत थोड़ा वक्त बचा है और अब संयोगिता को स्वयंवर की तैयारियों के लिए यहां से कन्नूर जाना होगा। पर ये सब हुआ कैसे? यही तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं। आखिर वो नक्शा महल में बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ था, उसके बारे में सिर्फ हमारे कुछ खास आदमियों को ही पता था। कौन कर सकता है ये काम? किस तरह से याद है पृथ्वी, पिछली रात की उस पूजा के बाद मैंने वो नक्शा अपनी आंखों से ठीक वहीं देखा था। वो ठीक अपनी जगह पर रखा हुआ था। इसका मतलब ये कि वो नक्शा कल रात पूजा के बाद गायब हुआ है, शायद बिल्कुल सवेरे। और ये काम किसी अंदर के आदमी का ही लगता है। वो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। मेरी बात का यकीन करो पृथ्वी, वो इंसान सिर्फ मीर हुसैन ही है, जो भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया जिसने इस थाली में खाया उसी में छेद किया। नहीं पंडित, ऐसा नहीं हो सकता। मीर हुसैन ऐसा कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। पृथ्वीराज चौहान किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता। क्यों पृथ्वी, क्यों? जरा सोचो पृथ्वी, सांप को लाख दूध पिलाओ वो शहर उगलना नहीं छोड़ता। आखिर वो क्यों आया है यहाँ? क्या उसे शरण लेने के लिए सारी दुनिया में सिर्फ एक पृथ्वीराज चौहान का ही घर मिला था? मेरी बात का यकीन करो पृथ्वी, वो सिर्फ मीर हुसैन ही है। वो चाहे जो भी हो, उसको हमारे हथियारों तक पहुंचने के लिए पूरा एक दिन लगेगा। इससे पहले कि हमारे हथियार उसके हाथ लगे, चलो हमें वहां तक पहुंचना होगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.